Welcome back to the online class of class 2. This is Uma Thapliyal and I am teaching you science. Here we are learning the lesson number 5, our body. Now today we will learn the rest of this lesson. In last video I taught about skeleton, joints, muscles. Now we will go further and learn help of bones and muscles. Muscles and bones help a swimmer to swim, a footballer to kick the football, a cyclist to pedal, a batsman to hit the ball, a gymnast to run, roll and jump, and a weightlifter to lift heavy weights. It means bones or muscles swimmer ko swimming karne mein help karti hai, footballer ko football ko kick karne mein help karti hai, ek cyclist jo hai muscles aur bones ke help se hi jo hai cycle ko pedal maar pata hai. और जो बैट्समैन होता है वो भी बॉल को हिट करने के लिए मसल्स का यूज़ करता है. जिमनास्टिक रोल जंप रन करते हैं उसमें भी मसल्स का यूज़ होता है. और जो वेट लिफ्टर जो वेट उठाते हैं उसमें भी हमारी मसल्स काम करती हैं. रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड हेल्दी फूड मेक आर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. स्विमिंग जॉगिंग साइकिलिंग एंड स्कीपिंग आर सम गुड एक्सरसाइजेस. प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन basketball and football are good for our muscles. It means swimming, jogging, skipping, cycling. ये कुछ ऐसे exercises हैं जो हमारे bones और muscles को fit रखते हैं. इसके साथ साथ badminton खेलना, basketball खेलना या football खेलना, ये कुछ outdoor games हैं. ये भी हमारे bones और muscles को fit रखने में help करते हैं. तो हम आउटडोर गेम्स खेलकर भी अपने बोन्स या मसल्स को फिट रख सकते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट पोस्चर. द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वाइल सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड पोस्चर. वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर. वी शुड नॉट स्टूप और बैंड आवर शोल्डर्स वाइल सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग. A correct posture keeps our body healthy. It also gives proper shape to our body. Here are given some posture that how we should keep our body. It means हमें correct posture में ही अपनी body को रखना चाहिए. सीधे खड़ा रहना चाहिए. चाहे हम चल रहे हों, बैठे हों या walk कर रहे हों, हमारी body हमेशा बिल्कुल correct posture में होनी चाहिए. और हमें अपने शोल्डर्स को बैंड नहीं करना चाहिए, झुकाना नहीं चाहिए. और करेक्ट पोस्चर हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है और हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है. नाउ वी विल रीड हियर द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग डाइजेस्टिंग फूड एंड थिंकिंग. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड organs. So we will read one by one them. Number one, the brain helps us to think. It also controls the actions of other organs. The brain is soft organ. It is protected by the heart skull. It means हमारा जो brain होता है वह हमें thinking में help करता है, सोचने में help करता है, साथ में सारी बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है. ये बहुत सॉफ्ट होता है और स्कल के थ्रू यह प्रोटेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट मीन्स हमारा जो हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पम्प करना और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना. नेक्स्ट इज द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद. इट मीन्स हमारे जो लंग्स होते हैं वह ब्रीदिंग में सांस लेने में हमें हेल्प करते हैं. ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. एंड द लास्ट वन इज द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड. इट मीन्स हमारा जो स्टमक होता है जो पेट होता है वह फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. हमारा जो खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारा स्टमक हेल्प करता है. वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स.
name them. Here is given the space in which you will write their name. So these five sense organs are eyes, ear, nose, tongue and skin. And all these sense organs help us to know about the whole world. Our eyes help us to see, ear help us to hear, nose help us to smell, tongue help us to taste and the skin help us to feel. So dear students, now your lesson is complete. Hope you all have understand well. Thank you.